मैं तरुण मदान और आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। हरियाणा के हिसार में हनी ट्रैप का एक मामला सामने आया है। यह मामला नापतोल विभाग से रिटायर्ड डिप्टी कंट्रोलर से जुड़ा हुआ है। रिटायर्ड डिप्टी कंट्रोलर को रेप के केस में जूठा फंसाने को लेकर 10 लाख रुपये की मांग की गई। आपको बता दें कि सिटी पुलिस ने सेक्टर 16-17 के रहने वाले नापतोल विभाग से रिटायर्ड डिप्टी कंट्रोलर को रेप के जूठे केस में फंसाने का भय दिखाकर 5 लाख रुपये वसूलने के मामले में एक नकली माता पिता सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस मामले के मुख्य सरगना अमित को पुलिस रिमांड के बाद पूछताछ के लिए अदालत में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। इस मामले में 10 लाख रुपए की मांग की जा चुकी थी, जिसमें आरोपी 5 लाख रुपए ले चुके हैं। इस मामले में एक लड़की की गिरफ्तारी अभी फिलहाल बाकी है। नापतोल विभाग के डिप्टी कंट्रोलर जयवीर ने पुलिस को दी शिकायत में कहा कि राशन कार्ड बनवाने के बहाने उसे हनी ट्रैप में फंसाया गया है। युवती उसे अपने माँ बाप से मिलवाने के लिए ऋषिनगर स्थित आवास पर लेकर गई, जहाँ पर उसे नशीला पदार्थ पानी में मिलाकर पिलाया गया, जिससे वह बेहोश हो गए। मौके पर कुछ समय बाद उसे होश आया तो उसके शरीर पर कपड़े नहीं थे। आरोपियों ने कहा कि हमारी बेटी के साथ उसने रेप किया है, जिसकी वीडियो और फोटो उनके पास है। उन्हें 10 लाख रुपये नहीं दिए गए तो रेप के झूठे केस में उन्हें फंसा दिया जाएगा। हिसार सिटी थाना इंचार्ज ऋषपाल ने बताया कि इस मामले बाल संबंद निवासी अमित को गिरफ्तार किया गया है और पूछताछ के बाद पता चला है कि इसमें मुख्य आरोपी अमित ही है। इस मामले को अंजाम देने के लिए नकली माँ बाप बनाए गए थे, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि अमित से पूछताछ की गई तो उसने 5 लाख रुपए अवैध वसूली की बात भी कबूल ली है। पकड़े गए आरोपी ने बताया कि डिप्टी कंट्रोलर पारिवारिक रिश्ते में उनका दादा लगता है, उनके पास पैसा खूब है, इसलिए अवैध वसूली के लिए एक युवती को मोहरा बनाकर उसने नकली माँ बाप तैयार किए। इसमें उकलाना के कुलदीप सिंह व महिला का सहयोग लिया गया था। हिसार से समाचार एक्सप्रेस की विशेष रिपोर्ट। ये 16 तारीख को हमारे पास जयवीर नाम से रिटायर्ड नापतोल अधिकारी है, उनकी कंप्लेंट आई। उस पर हमने FIR नंबर 582 एंडोर्समेंट कर दिया। उसके बाद हमने तहकीकात करी, अपनी तफ्तीश करी। उसमें हमने अमित नाम का लड़का जो है उसी के बाड़सबंद गांव का, जो जयवीर के परिवार में ही है, भतीजा पोता लगा है, उसको राउंड अप कर लिया और उससे पूछताछ करी, जिसमें वही मेन सरगना निकला इस काम का। और उसके साथ एक लड़की थी और दो उसके जो अपने नकली उसके माँ बाप बनाए हुए थे, तो उनको हमने तीनों को अरेस्ट कर, जो नकली माँ बाप थे और जो मेन सरगना अमित था, इन तीनों को हमने गिरफ्तार कर लिया। बाकी तफ्तीश जारी है। इन्होंने वीडियो बना करके दबाव बनाया था, दबाव बना करके 10 लाख रुपए मांगे थे, जिनमें से 5 लाख रुपए तो प्राप्त कर चुके थे और दूसरे किस्त के लिए महिला जो है वो जयवीर को बार बार फ़ोन कर रही थी कि 5 लाख मुझे रुपए दो। हाँ, युवती के साथ संपर्क में ही ऐसा काम किया गया। इसमें अभी तक तो 3 गिरफ्तार हो चुके हैं, बाकी अभी तफ्तीश जारी है। मेन तो मुख्य जो युवती बाकी है अभी इसमें, उसके बाद जो भी तफ्तीश में आएगा और जिसका रोल पाया गया वो ना, उसका रिमांड पूरा हो गया और उसको माननीय अदालत में पेश कर दिया गया ना, वो यही बस काम कबूल किया उसने कि हमने पहले ही काम किया था। वो इनके मोबाइल बरामद कर लिए गए हैं, जिससे लड़की का जो पिता बना था उसने बनाई थी और वो फुटेज जो है वीडियो वो उसके साथी ने डिलीट कर दी थी उसी सेम डे। इनके खिलाफ 384, 389, 34 IPC के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.